YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री प्रभु कृपा से कल तक हम लोगों ने श्री गणेश जी का जीवन चरित्र स्मरण किया संक्षेप में। आज के लिए आश्वासन दिया गया था श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ से ही क्रमिक रूप में हम लोग स्मरण करेंगे। जितने दिन का भी प्रवास हो यहाँ का, उस अवधि में जहाँ तक पहुँच जाए, कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं रहेगी। एक दिन बताया गया था कि श्रीमद् भागवत हमारी सनातन संस्कृति का एक बड़ा ही निर्णयात्मक निश्चयात्मक धरोहर है। धर्म के कई स्तर बताए गए हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म शरीर संबंध को लेकर के बताया जाता है। मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हैं, इस नाते मेरा धर्म है आपको पोषण दे और आपका धर्म है क्रोध होकर के मेरी सेवा करो। पत्नी का पाणी ग्रहण किया है पति ने अग्नि को साक्षी देकर के, इष्ट मित्रों के मध्य में, तो आपका धर्म होता है पत्नी का भरण पोषण करना। विवाह शब्द का अर्थ सुना था कभी, इसमें भी उपसर्ग है और वाह जो है वहन के अर्थ में बताया गया। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, वर और आश्रम के नाते, ये सब शरीर संबंध को लेकर के ही धर्म बताए जाते हैं। आजकल बहुत अधिक नातेदारी का विस्तार, हम आपके साले लगते हैं, हम आपके साले के साले लगते हैं, हम आपके जीजा लगते हैं, हम आपके जीजा के जीजा लगते हैं, हम आपके साढ़ू लगते हैं, हम आपके साढ़ू के साढ़ू लगते हैं। ये जितना संबंध है ये सब शरीर के नाते संबंध है, तो शरीर के संबंध से पारिवारिक जनों के प्रति, बस्ती वालों के प्रति, जिला और प्रांत वालों के प्रति, आपके राष्ट्र और विश्व भर के प्राणियों के प्रति, कुत्ते बिल्ली के प्रति, कौवा और सांप के प्रति, हमारी संस्कृति में कौवा को ही हक दिया जाता है काग बलि, कुत्ते को भी दिया जाता है श्वान बलि, चींटी तक को भी, जहां चींटी का बिल होता है वहां चीनी पंजीरी चाहे सतुआ को ले जा करके डालते हैं। तो शरीर संबंध के नाते जिसका जिसका जो भी कर्तव्य होता है अथवा दायित्व होता है उसको निभाना, ये सामान्य धर्म कहलाता है। और विशेष धर्म जो है उससे ऊपर का धर्म है, इसका शरीर संबंध से कोई विशेष लगाव हो नहीं सकता।
विशेष धर्म आत्मा और परमात्मा को लेकर के माना जाता है। आत्मा और परमात्मा को लेकर के जो धर्म और कर्तव्य का बोध होता है उसको विशेष धर्म कहा जाता है। और अभी दो स्तर और बताए, विशेषतर और विशेषतम। तो विशेष धर्म में भगवान के प्रति एक भक्त का जो कर्तव्य है वह अपनी रुचि के अनुसार हो रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार हो रहा है, तो विशेष धर्म हुआ। और यदि प्रभु की रुचि का ख्याल रखते हुए प्रभु क्या चाहते हैं, हमको वही करना है, ये विशेषतर वाला स्तर। और प्रभु ने कहा कि मुझसे भी अधिक मेरे प्यारे भक्तों की, संतों की सेवा करो, आदर करो, उनकी रुचि का ध्यान रख करके। तो ये विशेषतम धर्म की गिनती में आता है। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत चार श्री राम रूप में, श्री लक्ष्मण रूप में, श्री भरत रूप में, श्री शत्रुघ्न रूप में, चारों ने एक एक स्तर के धर्म का पालन किया। श्री राम जी ने शरीर संबंध के नाते पिता के प्रति निभाया, माता के प्रति निभाया, पत्नी के प्रति निभाए, भाइयों के प्रति निभाए, प्रजा के प्रति निभाए, ये सामान्य धर्म का पालन करके प्रभु ने दिखाया है। और श्री लक्ष्मण जी की जब बारी आई तो उनसे सामान्य धर्म के नाते बताया गया, श्री राम जी ने सलाह दी, आज्ञा नहीं, सलाह सलाह दी कि लक्ष्मण देखो परिस्थिति बड़ी गंभीर है, हम चार भाई हैं, अब तक पिताजी शासक रूप में सब कुछ संभाल रहे थे, हम लोग उनके अनुगत होकर आदेश का पालन करते थे, अब मैं बनने जा रहा हूं, एक भाई बनने जाएंगे और दो भाई पहले से ननिहाल में ये गए देश कश्मीर में, भरत और शत्रु, अब केवल तुम ही तो रह गए अयोध्या में संभाल करने के लिए। तो धर्म कहता है कि तुम यही रहो और सबको संतुष्ट करो, माता पिता को संतुष्ट करो, उनके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य होता है, पत्नी उर्मिला है उनके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य होता है, इनको संतुष्ट करो, प्रजा वर्ग के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उनको संतुष्ट करो। राष्ट्र YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, उनको संतुष्ट करो। एक वाक्य में रहो, अयोध्या में रहो, रहो यारा की क्या करेंगे, बोले करो सब कर परितोषु, सबको परितो मतलब सब प्रकार से सर्वतो भावे न संतुष्ट करो। ये धर्म, ये धर्म की मांग है, धर्म का तकाजा है। लक्ष्मण जी ने धर्म की कसौटी पर कस करके और कहा कि प्रभु ये धर्म है भी तो शरीर संबंध के नाते सामान्य धर्म, आप
जंगल में चले जाएं, मातेश्वरी जानकी जंगल में चले जाएं और हम अयोध्या में सोने के सिंहासन पर बैठ करके और सबको संतुष्ट करते रहे, माता को, पिता को, पत्नी को, कालांतर में जल के पुत्र को और प्रजावर्ग को, मंत्रिमंडल को, ये सामान्य धर्म है प्रभु, इसका पालन करने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा? तो श्री रघुनाथ जी ने बताया कि सामान्य धर्म का पालन करने वालों को सुख मिलता है, सुजस मिलता है और सदगति मिलती है। सुख, सुजस और सदगति मिलती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे हृदय में आप अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर के देख ले कि मैं सुख की चाह करने वाला हूं या सुजस की कामना करने वाला हूं या सदगति की कामना करने वाला हूं। जो सुख का अभिलाषी हो, जो सुजस का अभिलाषी हो और जो सदगति का अभिलाषी हो, उसको ये धर्म आप उपदेश करिए। तो ये धर्म नीति उपदेशीय ताई, सामान्य धर्म नीति, शरीर संबंध के नाते धर्म नीति, उसको उपदेश कीजिए जिसको कीर्ति प्यारी हो, जिसको अपना सुजस प्यारा हो। भूति, विभूति, वैभव और तद्जन्य सुख जिसको अभिलषित हो, उसको ये धर्म को आपका उपदेश करिए। और सुगति, सदगति जिसको चाहिए कि हमको स्वर्ग, यहाँ से सभी छूटने के बाद स्वर्ग में जाएं, अप्सराओं का नाच देखें, विमानों की सैर करें, नंदन वन में परिभ्रमण करें, पारिजात पुष्प का ग्रहण करें, गंधर्वों के गान तान टपते सुने, अप्सराओं के नृत्य देखें, सोमरस के प्याले उड़ावें, ये सब ये गति की दिशा में स्वर्ग जिसको प्यारा हो, उसको आप ये सब उपदेश कीजिए। बोले तुमको इनमें से कुछ भी प्रिय नहीं है, इनमें से कुछ भी तुम्हें अभिष्ट नहीं है। कहा कि सरकार मैंने अपने सुख की कामना कभी जीवन में नहीं की, आज ही नहीं इसके पहले भी। जब शेष रूप में रहते हैं तो कब इन्होंने कहा कि कब इनसे पल्ला छूटे, कब इनकी नौकरी से हमको रिटायरमेंट मिले कि इनकी सेज बना हुआ हूं, इनका छत्र बना हुआ हूं और इनका सेवक बना हुआ हूं, इससे पिंड छूटे, ऐसा कभी सोचा है? आप कभी छोड़ नहीं अपना सुख, नहीं कि आपको जिसमें सुख। आप अगर कहते हैं कि शेष मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेज बन जाओ, तुम्हें फिट हमारे पर सेज बनकर सेवा करता हूं, आप कहें कि ऊपर से धूप न लगे
वर्षा हो तो उसमें भींगू नहीं, इसलिए तुम छत्र बन करके और मेरी सेवा करो। छत्र बन करके नहीं, सेवा करने को तैयार। आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे भाई बन करके चलो मेरी सेवा करो, मेरी रुचि का अनुसरण करो, तो मैं छोटा भाई बन करके आया हूँ। आप कृष्णावतार में आप कहते हैं कि बड़े भाई बन करके चलो, बड़े भाई बन करके चलने को तैयार रहता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे यही छोड़ के और मैं सनातन धर्म की, सनातन धर्म में भी विशेष धर्म भागवत धर्म का पालन करने और कराने के लिए, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, आचरण के द्वारा आचार्य पद स्वीकार करो, तो मैं आचार्य पद भी स्वीकार करके श्री रामानुजाचार्य के रूप में धरती पर जाने को तैयार रहता हूँ। मैंने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है, और आज आप ये कह करके कि धर्म का पालन करोगे, जे अनुचित उचित विचार तरी, जो मुझे समझाया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, या उचित है कि अनुचित है, इसका विचार छोड़ करके और पिता माता का वचन पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पित बहन, ये सामान्य धर्म है। उनको क्या मिलता है, बोलते भाजन सुख सुजस के और बस ही अमर पति एन। तो सुख के भाजन होते हैं सुगत के, सुजस के भाजन होते हैं, और अमर पति एन मने देवराज की पुरी स्वर्ग में निवास पाते हैं। इनमें से तो मुझको कुछ चाहिए नहीं। बोले आपको क्या चाहिए लक्ष्मण, बोले कि मुझको तो प्रभु श्री राम चाहिए, मुझे तो प्रभु श्री राम की सेवा चाहिए, मुझे तो प्रभु श्री राम का प्रेम चाहिए। आप कहते हो कि अयोध्या में रहो और सबको संतुष्ट करो, क्या आपने मुझको इस लायक समझा कि मैं अयोध्या में रहकर सबको संतुष्ट करूं? ये कार्य मुझे आप दे रहे हैं तो यह किस प्रकार का कार्य है? बोले ये इस प्रकार का कार्य है, मैं प्रभु शिशु, मैं तो आपका नन्हा सा बालक हूं और पाला पोसा गया हूं आपके द्वारा। किस ढंग से पाला पोसा गया हूँ? बोले मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो आपका शिशु हूँ, स्नेह के द्वारा पाला गया, बराबर लाड़ प्यार स्नेह छो दुलार देकर के आपने मुझे पाला है, और आज इतना बड़ा कार्य दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर लाद रहे हैं, कितना बड़ा कार्य। बोले कि मंदर यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो हम लोगों ने नहीं देखा है, उसी की छाया की तरह बत्तख तो देखे होंगे ना, बड़ा कोमल प्राणी होता है, उस पर एक टेबल धर दीजिए तो नहीं झेल सकेगा, छिपा जाएगा। अकार है कि मंदर और मेरु, मंदराचल पर्वत और सुनेरु पर्वत, एक हंस के ऊपर, एक हंस के बच्चे के ऊपर धर दिया जाए तो संभाल सकेगा। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले कि लक्ष्मण दो तरह की बात करते हैं, कैसे? प्रभु कहा कि
जनकपुर में तो तुम कह रहे थे कि जो रावर आयस में पावाऊ तो कन्दू कहीं ब्रह्मांड उठा, आपकी आज्ञा पा जाऊं तो गेंद की तरह, जैसे बच्चे गेंद उठाते हैं ऐसे कंदुक की तरह, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं। तो वहां तो ब्रह्मांड उठाने का दावा करते थे और आज केवल अविद्या की सेवा तुम्हारे जिम्मे सौंप रहा हूं। तुम कहते हो कि मंदिर मेरे के लिए मराला, मंदिराचल नहीं उठा सकते हो, सुमेर नहीं उठा सकते हो, वहां ब्रह्मांड उठाने का दावा करते थे और आज मंदिर और मेल पर हिचकिचा रहे हो। तुम्हारी पहली बात सही थी कि आज की बात सही, बोले दोनों बात सही है। बोले कैसे? कहा कि जिस समय आपसे मैंने अनुमति मांगी थी कि कंदू के वो ब्रह्मांड उठाऊं, उस समय आपने मुझे अपने साथ चिपका करके रखा था, उस समय मैं आपके साथ था, तो आपके साथ रहकर अभी भी ब्रह्मांड उठा सकता हूं, आपके साथ रहकर अभी भी ब्रह्मांड उठा सकता हूं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं गंडक वन में, अब तुम रहो अयोध्या में। इस शरीर में भेद बताया गया था एक दिन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। आत्मा के रहते स्थूल शरीर भी कुछ करने लायक लगता है, सूक्ष्म शरीर भी कुछ सोचने लायक लगता है, लेकिन आत्मा से अलग हो जाने के बाद स्थूल शरीर से कहो चाहे सूक्ष्म शरीर से कहो कि कुछ करके दिखा दो, कुछ सोच के बता दो, तो कर सकेगा? नाथ आप मेरी आत्मा, मैं आपका शरीर हूं। तो शरीर और आत्मा दोनों एक साथ जनकपुर में थे, तो उस समय तो ब्रह्मांड उठाने की क्षमता मेरी व्यक्त हो सकती थी, लेकिन अब शरीर से कहते हो कि अयोध्या में रहो और आत्मा के लिए कहते हो कि चित्रकूट और गंडक वन की यात्रा कर रहा है, तो शरीर से अलग रह करके आत्मा, आत्मा से अलग रह करके शरीर किसी भी काम के लायक रह जाता है क्या? एक गिलास पानी भी उठा सकता है क्या शरीर आत्मा से अलग रह करके? आप मेरी आत्मा हो ना, मैं आपका शरीर। तो गुरु वशिष्ठ की सेवा नहीं करोगे अयोध्या में रह करके? पिता श्री दशरथ जी की और माता कौशल्या सुमित्रा कहके ही सेवा नहीं करोगे? मंत्रिमंडल की बात नहीं मानोगे? ताकि आप अगर अयोध्या में रहते आए तो मैंने सबकी बात मानी आपके नाते, और आप आगे भी रहते तो मैं सबकी बात मानता आपके साथ सामंजस्य रखते हुए, यदि ये सब के सब चलते तो। लेकिन ये सब रह जाएंगे अयोध्या में और आप और मातेश्वरी जो प्राण की भी प्राण, आप हैं प्राण और आपकी भी प्राण श्री सिया जी, आप हैं आत्मा और आपकी भी आत्मा है सिया जी। तो आप दोनों जंगल में निकल जाओ और मैं यहाँ रह करके सबको संतुष्ट कर सकूं, इस लायक मैं रह नहीं जाऊंगा। तो इसलिए अगर मेरी तरफ से मेरे ऊपर आप छोड़ेंगे कि बोलो सामान्य धर्म का पालन करने के लिए अयोध्या रहना पसंद करोगे या आत्मा और परमात्मा के नाते मेरा अनुगमन करना पसंद करोगे, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरा निर्णय तो ये है कि गुरु पितु मातु न जानो। आप पति आओ, विश्वास करो, मैं आपसे अलग रह करके आपको तिरस्कृत करके, न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई माता पिता है, न मेरा कोई अपना स्वजन है,
गुरु तुम्हारा कौन, माता पिता कौन है? मोरे सब एक तुम स्वामी मेरे मंत्री भी आप हो, मेरे स्वामी भी आप हो, मेरे सखा भी आप हो, मेरे सब कुछ आप। कहा जाता है, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन हम लोग वाणी से कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, क्या मतलब? तुम एव, एव मने ही, तुम ही, दूसरे किसी का पार्टनरशिप नहीं है। शरीर पर किसी का पार्टनरशिप हो सकता है, लेकिन आत्मा पर ब्रह्मा का भी पार्टनरशिप नहीं। आत्मा पर केवल परमात्मा का अधिकार, किसी की साझेदारी और भागीदारी नहीं है। ये मेरे सब कुछ आप हो, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नन्यानी नहीं जाने न जाने, आपके अतिरिक्त में किसी को कुछ नहीं जानता। अयोध्या वासियों ने आपको सब कुछ जाना, तो मैंने भी अयोध्या वासियों को सब कुछ जाना, सब तरह से जाना। और अयोध्या वासी आपको मन में निष्कासित कर रहे हैं, आपका जूता छाता छीन रहे हैं, ये 14 वर्ष जूता नहीं पहन सकते, 14 वर्ष छाता नहीं लगा सकते हो, 14 वर्ष बने बनाए मकान में नहीं जा सकते हो, 14 वर्ष सिर में तेल नहीं लगा सकते हो, कंघी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तकिया नहीं लगा सकते हो। जिन अयोध्या वासियों ने मेरे प्राण जीवन प्राण धन प्रभु से सब कुछ छीन लिया, उन अयोध्या वासियों से मेरा क्या नाता? इसलिए गुरु पितु मात न जानो का हूं, किसी को मैं कुछ नहीं जानता। तो बोले इनसे तुम विमुख हो जाओगे, गुरु से माता पिता से बोले ना मैं सन्मुख रहूंगा, लेकिन मेरे सारे नाते सिमट करके एक जगह केंद्रित है श्री राम के ऊपर। आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, यही मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, शरीर संबंध की माँ ने। और आगे प्रभु के कहने से विदा मातु सन मांगो जाई, पर लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, सुमित्रा ने पूछा बेटा यहाँ कैसे आए? कहा कि प्रभु बनने जा रहे हैं। तो बोले तुम क्यों नहीं गए, तुम यहाँ क्यों आए? बोले प्रभु ने आज्ञा दी है कि माँ से आज्ञा मांग आओ। तो कहा कि तुमने भूल कर दी बेटे, तुम्हारी माँ मैं हूँ, तेरे शरीर की माँ मैं हूँ, लेकिन तेरी आत्मा की माँ तो जगत जननी है। तात तुम्हारी तेरी माता तो वैदेही, देह संबंध की माता मैं हो सकती हूँ, लेकिन देह से ऊपर वाला जो आत्म संबंध है, परमात्मा संबंध है, उस नाते माँ तो तेरी सीता वैदेही, और पिता तेरे श्री राम। ये गोस्वामी जी की निजी कल्पना नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी ये श्लोक के रूप में आया है, बेटा रामम दशरथम विद्य,
श्री राम को ही दशरथ जानो इस समय तुम, और मान बुद्धि जनकात्म जान। सुमित्रा इस समय तुम्हारे लिए ये नहीं है, सुमित्रा तुम्हारे लिए जनकात्मजा। और अयोध्या अठवीं विद्धि, अयोध्या अठवीं विद्धि का दोनों तरफ भाव लगेगा। अब आज से जब श्री राम जंगल में जा रहे हैं, तो आज से अयोध्या YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।